राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल उषा तंवर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज हम 3 और 4 नंबर ठाकुर जी के लिए पोशाक बनाएंगे। तो देखिए, मैंने इस तरीके से पोशाक अभी बनाई नहीं है, मैंने ये सिंपल घेरा बनाया है। ये घेरा मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और देखिए, मैंने ये इस तरीके से डिजाइन डाली हुई है। तो चलिए, मैं आपको ये डिजाइन डाल करके दिखाती हूँ। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, मैं आपको बनाना दिखाती हूँ घेरा। मैंने आपको घेरा और चोली मैंने आपको दोनों ही पहले बनाना बताया है। सिंपल घेरा है, सिंपल चोली है, सिंपल घेरा है। देखिए आप, सिंपल है बिल्कुल, पहले से वीडियो अपलोड है ये मेरे। और देखिए, ये इस तरीके का डिजाइन है, मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। तो देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए इस तरीके से हम जैसे ये हमने जॉइंट किया है, इसी तरीके से मान के चलिए हमने यहाँ जॉइंट किया है। जॉइंट के बाद में देखिए 1 2 हमें यहाँ 11 चेन बनानी है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमारी 11 चेन हो गई। 11 चेन के बाद में तो देखिए हमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 में हमें इस तरीके से हाँ क्रोशिया बना देनी है, इस तरीके से। देखिए इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में हमें फिर से 11 चेन बनानी है। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 ये हमारी 11 हो गई। उसके बाद में देखिए हम क्या करेंगे, हम अपने घेरे को इस तरीके से रखेंगे। और घेरे को रखने के बाद में देखिए, घेरे को रखने के बाद में यहाँ से 12 चेन लेनी है हमें। देखिए इस तरीके से हम रखने के बाद में यहाँ से देखिए हमें ये 1 2 3 3 छोड़नी है। और फिर तीसरे में हमें इस तरीके से ऐसे यहाँ हाफ क्रोशिया बना देनी है। उसके बाद में 1 2 फिर से हमें 12 चेन लेनी है। जितनी चेन हम यहाँ लेंगे उतनी चेन हम जो मैं अब बता रही हूँ उसमें लेनी है। मतलब जितनी चेन हमने यहाँ ली है उसके बगल वाली हम जो चेन बनाएंगे उसमें भी हमें 12 चेन लेनी है। तो हमारी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब देखिए इसी जगह पर जहाँ पर हमारी ये चैन स्टिक हो रही है ना, देखिए इस तरीके से इसी जगह पर ठीक हमें हाफ क्रोशिया बना देनी है ऐसे। फिर से हम 12 चैन बनाएंगे, जिस तरीके से हमने ये बनाया ना इसी तरीके से फिर से हम 12 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इधर हमने 11 थी और इधर हमारी 12 थी। मैंने इधर आपको 12 बताई है शायद, इधर 11 है इधर 12 है। तो देखिए फिर से हमें वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहाँ 10 में हमें ये जोड़ना इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से आएगा। फिर से हम 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारी 12 हो गई है। फिर से हम इस तरीके से अपने घेरे को इस तरीके से रखेंगे। और उसके बाद में देखिए फिर हम यहाँ 1 2 ये छोड़ के इसके बाद में हम यहाँ से देखिए देखिए 1 2 1 2 3 3 छूट गई। अब हम चौथे में इसे जोड़ेंगे इस तरीके से। फिर से हम 12 चेन लेंगे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 हो गई हैं। उसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, फिर से हमें इसी जगह पर हमें यहाँ इसी जगह पर हमें फिर से हाफ क्रोशिया बना देनी है इसे जोड़ करके। और फिर से हम 11 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गई हैं। इसके बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा वर्क आएगा।
तो चलिए मैं आपको यहाँ तक करके, क्योंकि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से बताया। घेरा पहले से ही मैंने आपको बताया है, अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये मैंने जो चेन का जो वर्क है मैंने आपको बताया किस तरीके से है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ तक ये पूरा कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा इस तरीके से यहाँ कंप्लीट हो गया है। अब देखिए उसके आगे हमें क्या करना है, ये यहाँ पर इस तरीके से हम दोनों चेनों को देखिए, ये दोनों चेनों को इस तरीके से देखिए, पहले ये हम इस तरीके से रखेंगे, उसके बाद में देखिए इन दोनों चेनों को ऐसे पकड़ेंगे, फिर इधर हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद में फिर हम इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। देखिए अब उसके बाद में हम इसमें फाइव सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 5 हो गए हैं। उसके बाद में 3 चेन लेंगे 1 2 3, उसके बाद में हम यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ इस तरीके से हमारा ये लूप बन जाएगा। उसके बाद में फिर से हम इसी के अंदर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो गए हैं। अब 5 के बाद में फिर हम इस तरीके से इन दोनों चेनों को उठाएंगे, जिस तरीके से मैंने ये बताई थी, इस तरीके से ये और ये, इस तरीके से ये वाली नहीं उठाएंगे, और फिर हम इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे सिंगल वाली, और उसके बाद में फिर से हम इसमें इस तरीके से बनाएंगे, फिर से हम इसमें 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 ये हमारे 5 हो गए हैं। उसके बाद में देखिए 1 2 3 3 हमारी ये चैन हो गई है, और उसके बाद में यहाँ से इसके अंदर से देखिए, हमें यहाँ से नहीं निकालना, हमें यहाँ से इस तरीके से हमें एक लूप बना देंगे, और फिर से हम इसी के अंदर 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। उसके बाद में फिर से हम देखिए, फिर से हम ये वाली चैन नहीं पकड़ेंगे, हम ये वाली चैन हमें छोड़नी है। उसके बाद में एक ये उठाएंगे इस ये वाली, और एक हम ये वाली, उसके बाद में फिर हमें इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे, देखिए इस तरीके से डालेंगे हाफ क्रोशिया, उसके बाद में ये वाली चैन को छोड़ेंगे, इसे पकड़ेंगे, और इसमें भी हम हाफ क्रोशिया इस तरीके से, फिर इसके अंदर हम 5 सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन का हमारा एक लूप बन जाएगा इस तरीके से, और फिर इसी के अंदर हमारी 5 सिंगल क्रोशिया आ जाएंगी। तो देखिए आप इस तरीके से हमारे ये पूरा वर्क कंप्लीट हो जाएगा, जिस तरीके से हमारा ये बनते हुए ये आ रहे हैं ना डिजाइन बनता हुआ आ रहा है, इसी तरीके से हमारा ये पूरा डिजाइन इसी तरीके से बनेगा। तो चलिए मैं आपको इसके पूरे डिजाइन इस तरीके से कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा ये पूरा राउंड बन करके तैयार है, ये हमारा राउंड के कुछ इस तरीके से डिजाइने हैं, देखिए इस तरीके से डिजाइन आ गई है, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से की बाजू पर ये हाफ क्रोशिया बनाई है। चलिए मैं आपको एक बार बना करके दिखाती हूँ। मैं चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से, देखिए इसे हम यहाँ से डालेंगे इस तरीके से, और हम इसमें हाफ क्रोशिया बनाएंगे, पहले टू चेन की हमारी हाफ क्रोशिया हो जाएगी, उसके बाद में फिर इस तरीके से हम हाफ क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से, ये देखिए हमारी हाफ क्रोशिया बन गई। तो देखिए बन करके हमारी हाफ क्रोशिया तैयार हो गई। अब हम अपने ऊन को कैंची से कट कर देंगे इस तरीके से, देखिए इस
तरीके से हमने अपनी ऊन को कैंची से कट कर दिया है। अब इसे हम ऐसे अंदर की साइड में इस तरीके से डाल देंगे जिस तरीके से हमारी ये ऊन दिखाई ना दे। ऐसे अब देखिए आगे का जो ये गला है इस पर भी हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम चोली को जोड़ते हैं ना, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। और देखिए पहले टू चेन की हमारी हाफ क्रोशिया, ये देखिए हमारी टू चेन और टू चेन की हमारी हाफ क्रोशिया हो गई है। उसके बाद में देखिए सिंगल चेन बनाते हैं, एक में से दो नहीं निकालेंगे, अब एक में से एक ही निकालेंगे हाफ क्रोशिया। अब एक यहाँ बनाएंगे इस तरीके से, फिर थोड़ी दूरी पर इसमें दो आ गई हैं, पर इसमें थोड़ी दूरी पर आ गई है। फिर उसके बाद में एक यहाँ, और उसके बाद में फिर हम एक सिंगल चेन लेंगे। सिंगल चेन के बाद में फिर हम यहाँ पर हाफ क्रोशिया इस तरीके से, देखिए दो दो छोड़ करके लेनी है, वन टू तीसरे में हमें लेनी है। फिर से हम यहाँ वन टू, फिर से हम यहाँ पर हाफ क्रोशिया, वन टू, फिर से हम हाफ क्रोशिया, और देखिए फिर से हम यहाँ पर इस तरीके से हाफ क्रोशिया, और फिर से यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में हमें एक चैन लेनी है, चैन मैंने ले करके बता दी आपको। उसके बाद में हम यहाँ पर हाफ क्रोशिया लेंगे, यहाँ पर हाफ क्रोशिया, देखिए इस तरीके से दूरी पर ही हाफ क्रोशिया आनी चाहिए। यहाँ देखिए ये इस तरीके से हमारा थोड़ा बड़ा है ना, देखिए तो इसमें हम दो ले सकते हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट में लेंगे, ये भी हमारा बड़ा है तो इसमें भी हम दो ले सकते हैं। यानी कि हम छोटे वाले जो हमारी अभी हमारी बड़ी वाली सिंगल क्रोशिया हो गई तो इसमें हम दो ले सकते हैं, और जो हमारी हाफ वाली क्रोशिया होती है उसमें वो छोटा होता है तो उसमें हम सिंगल ही लेंगे, डबल नहीं लेंगे। ये देखिए यहाँ से, और फिर हम इसे यहाँ से इस तरीके से ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमने निकाल दिए, ये देखिए इस तरीके से ये हमने निकाल दिया। तो देखिए हमारी ये इस तरीके से बन करके तैयार हो गई है। देखिए अब मैंने इसके साथ की कैप बना करके रखी हुई है, सिंपल कैप है, पहले से मैंने आपको बनाना बताया है, बिल्कुल सिंपल है। मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है इसकी, और वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए ये वाली ऊन है, अब इसे हम यहाँ पर इस तरीके से नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद में यहाँ इस तरीके से हम इसे जोड़ देंगे, हाफ क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद में फिर से हम चार चेन के बाद में फिर से हम इसी के अंदर इस तरीके से सिंगल हाफ क्रोशिया। उसके बाद में देखिए फिर से हम तीन चेन इस तरीके से, फिर से हम चार बनाएंगे चेन, इस तरीके से देखिए इस तरीके से, और यहाँ से फिर हम इसे इस तरीके से निकाल देंगे। चाहे आप ऐसा बना सकते हैं, और चाहे आप देखिए मैं आपको एक तरीका और बताती हूँ बनाने का, कौन कैसा है वो वाला। देखिए एक तरीका ये भी है, इसे हम कैप के ऊपर हम फ्लावर भी बना सकते हैं, ये चैना बना करके। तो देखिए चैन से मैं आपको यही कहूँगी कि जो मैंने अभी चैन बना करके बताई थी वो सामने ही आती, दो इधर और दो इधर, फिर चैन नहीं आती। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि चैन ना बना करके आप ये वाला फ्लावर बनाएं। देखिए मैं बना करके दिखा रही हूँ, यहाँ हम इस तरीके से डालेंगे, उनको जॉइंट करेंगे और थ्री सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, दो सिंगल क्रोशिया, ये हमारी तीन सिंगल क्रोशिया, ठीक है। उसके बाद में थ्री चेन को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, उसके बाद में फिर से हम थ्री चेन के बाद में फिर से हम यहाँ हाफ क्रोशिया।
सॉरी सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया नहीं है हमारी, सिंगल क्रोशिया आएगी। उसके बाद में फिर एक और बार हमारी हाफ क्रोशिया आएगी। और उसके बाद में इस तरीके से हम इसे निकाल करके, और हम इस तरीके से इसे हम यहाँ से अंदर के साइड में इस ऊन को इस तरीके से हम इसे निकाल देंगे। देखिए अभी मैं दिखाऊंगी आपको किस तरीके से, इस तरीके से हमने इसे, और यहाँ पर हम दोनों ऊनों को हम इस तरीके से नॉट लगा लेंगे। इस तरीके से हमने गांठ लगा दी है इस तरीके से। अब देखिए जो एक्स्ट्रा वाले ऊन है हमारी, हम इसे कैंची से कट नहीं करेंगे, अब हम इसे इसी के अंदर ऐसे डाल देंगे जिससे कि हमारी ये, अब देखिए इस तरीके से आएगी ये। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए ये ऊन, इस तरीके से। तो ये देखिए हमारी इस तरीके से ये आएगी। तो मुझे ये वाला कैप ज़्यादा अच्छा लग रहा है जो चैन वाले कैप से है। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, उस तरीके से भी बना सकते हैं, वो केवल सामने चैन आएंगी, ठीक है, और आप ये भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से आएगा। तो चलिए हम अपने इस कैप को इसमें जोड़ देते हैं। उसके बाद में ये देखिए हमने ये अपनी कैची इसे ऊन को कट कर दिया, और उसके बाद में देखिए हमारी कैप और ये दोनों मैचिंग बन करके तैयार हो गए हैं। तो ये फ्रेंड्स आप किसी भी ऑल साइज में बना सकते हैं, छोटा भी बना सकते हैं, बड़ा भी बना सकते हैं, किसी भी ऑल साइज में आप इसे बना सकते हैं। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।